आप देख रहे हैं TNB। नमस्कार, TNB में आपका स्वागत है। एक तरफ इस कोरोना महामारी ने तबाही मचा रखी है, लाखों लोग जो है इस बीमारी से संक्रमित हो रहे हैं, हजारों लोगों की मौत हो जा रही है क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन और मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो सामने आ रहा है जो कि सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करने के लिए काफ़ी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें अभी की इस वक्त की सबसे हाई डिमांड मेडिसिन रेमडेसिविर पानी में हजारों की तादाद में बहते हुए नजर आ रही है। तो आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। आ देखो वीर जी, आ नहर विच भाखड़ा मेल लाइन च आ केड़ी दवाई गिरी हुई है, असीं तुहानूं कढ के कोशिश करदे आ दिखाउंदे आ। आ सारी उह नहर विच आ पता नहीं ये पानी लोगों ने पीना भी अगह, ये सुक्की दवाई है, बिच शीशियां तुरियां आउंदियां। आ देखो ये पता नहीं किहड़े कैमिस्ट ने पाई है, रोपड़ कि नहीं आ रही है ये तेरे ये सलेमपुर के पुल ते। आ देख लो, आ तुसीं आपे देख लो वीर जी, ये आ क्या होया होया, ये पता नहीं क्या गिरिया क्या नहीं। सारी नहर बिच भाखड़ा मेन लाइन च इन्ने डब्बे जा रहे हैं, सब शीशियां दवाई दियां भरियां हुई हैं। मेजर फड़ियाँ पहला ओए फड़ी एक अद्धी कट के मैं लैब बनावा, तो और डब और लाइन च हो जा। और देखो तेरी एना जो फड़ ये हौली हौली गिरना जाई, आ देखो किनिया आनी है, आ चक ली, आ देखो आ शीशियाँ ही सारियाँ इन्हों बिचो, आ देखो शीशियाँ भरिया भराइया आ रही इस तरह तेरे अला खोल ही देखता ये क्या है। आ देख खोल के ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ 5400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ, 5400 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਬਸ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਦੇਖੋ 5400 ਪ੍ਰਿੰਟ MRP, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से पानी में इस वक्त की सबसे हाई डिमांड मेडिसिन रेमडेसिविर हजारों की तादाद में तैर रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि जहां इस मेडिसिन के लिए लोग कितने पैसे वेस्ट कर रहे हैं, इस मेडिसिन को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पा रही है, लोगों को मिल नहीं पा रही है, लोग मर जा रहे हैं इस मेडिसिन के नहीं मिलने के वजह से। तो वहीं पानी में इतनी तादाद में ये मेडिसिन फेंकी जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है ये अभी तक नहीं साफ हो पाया है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि ये जो मेडिसिन्स को लेकर काले बाजारी हो रही है, ये इसके ऊपर भी, इसको कंफर्मेशन के ऊपर भी ये मोहर लगा रहा है। तो ये वीडियो जो है, इस वीडियो में इस तरीके से मेडिसिन पानी में क्यों फेंका हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक चीज़ तो साफ है कि यह वीडियो जो है सरकार के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।